और कौन है उसके साथ? मिक्की माउस है उसके साथ। के लिए जो मतलब है ना मेरे बर्थडे के लिए, स्पेशली मेरे बर्थडे के लिए दिल्ली से आ रहे हैं तो उनको रिसीव करते हैं। और वो गेस्ट कौन है मैं आप सबको जल्दी बताती हूँ। रेडी हो सब लोग? चलो हम लोग है ना उनको रिसीव करने चलते हैं। ये देखो हमारे गेस्ट जो है वो आ गए हैं। थैंक यू सो मच, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। हरिदेव सो रहा है? हां हरिदेव सो रहा है। ये पूरी रात जाग रहा था ना। हेलो, हाय, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भैया। कैसी लग रही है हमारी सिटी आपको? मेरे को तो अच्छी लग रही है, बाकी अभी एक्सप्लोर करूंगा मैं। हाँ। एक आधा दिन रुक के क्या क्या है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखी ना यहाँ पे मैंने कि जैसे राजा महाराजाओं के लगे हुए हैं यहाँ पे। हाँ, एयरपोर्ट में भी। तो यार क्या ऐसा स्पेशल है क्या कुछ यहाँ? हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज है यहाँ पे। अच्छा, वो यहीं के हैं? यहीं के थे। तो कोई भी एयरपोर्ट पे चले जाओ यहाँ पे महाराष्ट्र में, आपको हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज मिलेंगे। हम लोग घर पर आ गए हैं। चलो अभी है ना भैया का अच्छे से स्वागत करते हैं। भैया फर्स्ट टाइम हमारे घर आ रहे हैं ना। जो यहाँ खड़े रहो भैया। अरे अरे ये क्या है? स्वागत कर रहे हैं आपका महाराज। कैसे स्वागत होता है? अरे वाह, ये तो मस्त है। अच्छा ये ऐसा होता है क्या? हाँ, महाराष्ट्र में गुलाब का फूल मिलता है। कैसा लगा आपको नाश्ता? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मस्त है ना? थैंक यू सो मच मधु दी, थैंक यू। कितना अच्छा बुक है देखो। थैंक यू। चलो हम इसको कट करते हैं। हाय बच्चे, आ गया तू? और वो है ना आराम करेंगे। और अभी मैं भी है ना नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि है ना उसके बाद में मुझे भी रेडी होना है अपने बर्थडे के लिए, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट आने वाली है तो मेकअप करने में तो कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे। हेयर स्टाइल वगैरह भी करना है। मैं आपको भी बताती हूँ कि हमें ना कैसे रेडी होने वाला है, कैसे हेयर स्टाइल करने वाला है। ठीक है, नाश्ता दे रहे, रुक बना रहे। देखो बाहर भी है ना सारी तैयारियां हो रही है। यहाँ पे अभी है ना ये ऐसे डेकोरेट होगा पूरा, और इधर की साइड है ना सब खाना वगैरह बन रहा है। हाय, बढ़िया चल रहा है काम? तो मैं आ गई हूँ अभी नीचे आप सबको दिखाने के लिए कि कैसी तैयारियां चल रही है। ये देखो इधर की साइड जो है पूरा मंडप का डेकोरेशन जो है वो भी स्टार्ट हो गया, और इधर की साइड खाना बन रहा है। दिखाती हूँ मैं आप सबको क्या क्या बन रहा है। ये देखो ये अंकल है ना करना दे रहे हैं, गुलाब जामुन बना रहे हैं। तो अभी है ना सिर्फ गुलाब जामुन बन रहा है, बाकी का खाना है ना थोड़ी देर के बाद बनेगा। और स्टेज जो है वो उधर के साइड होगा। देखो देखो पीछे के साइड आपको स्टेज दिख रहा है, उधर के साइड स्टेज होगा, और यहाँ से मैं एंटर करूंगी इधर स्टेज पर। वाओ, और इधर की साइड अच्छे से सब डेकोरेशन होगा, और शाम को लाइट वगैरह लगेगी तो कितना मस्त लगेगा ना। तो मैंने ना अपना ड्रेस चेंज कर लिया क्योंकि अभी मुझे मेकअप करना है, और वो पंजाबी सूट इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था ना मुझे, उसमें मैं क्या बताऊँ आप सबको। तो अभी मैंने एकदम कंफर्टेबल कपड़े पहन लिए, अभी अच्छा लग। मेरे पास और एक सरप्राइज है। क्या है? दिखाओ।
पर इसको पहले तुझे गेस करना होगा, तभी तुझे मिलेगा। आओ इधर बैठो, क्या है दिखाओ, आपको पता है? मुझे तो नहीं पता। अगर तूने 3 गेस में करेक्ट नहीं किया तो रिटर्न। ए यार ऐसे रिटर्न थोड़े मार दे, बर्थडे। मैं हिंट दे दूंगी आपको। हाँ ठीक है, मैं को हिंट दो। क्या हो सकता है यार इसमें? क्या फोन दे रहे हो क्या? मम्मी देखो कौन आया है, प्यारे लोग। ऑप्शन पहला चॉकलेट, सेकंड कपड़े। देखते हैं अभी इसमें क्या है। मासी ने इतना सस्पेंस क्रिएट किया है ना। चलो अभी हम लोग है ना पापा को बुलाते हैं और पापा को सरप्राइज देते हैं कि ज्योति मासी भी आई है। बाहर आओ ना, मेरा ड्रेस देखो कितना मस्त है, ये देखो। अच्छा है? अच्छा है। बाप रे डर गया मैं तो। कैसे हो जीजू आप? चलो अभी मुझे मेकअप करना है, मैं मिलती हूँ आपको। तो यहाँ पे सारे डेकोरेशन की तैयारी हो रही है, अभी वहाँ पे लग गया हमारा स्टेज, ये साइड खाना वाना बन रहा, यहाँ से होगी हमारी मेन एंट्रेंस और एक एंट्रेंस वहाँ से भी है सामने। अभी जब ये बन के तैयार हो जाएगा ना तब देखेंगे। यार देखो ना, अभी मुझे है ना अपना मेकअप स्टार्ट करना है और अभी तक मेरा है ना बर्थडे ड्रेस ही नहीं आया है। मुझे अभी बहुत टेंशन हो रहा है, जल्दी से बर्थडे ड्रेस आना चाहिए, जल्दी से मैं एकदम प्रिंसेस की तरह रेडी हो जानी चाहिए। कब आएगा पता नहीं मेरा बर्थडे ड्रेस। तो नीचे डेकोरेशन की तैयारी एकदम जोरों शोरों से चल रही है और मुझे नहीं पता है कि कैसा डेकोरेशन होने वाला है। 2000 years later। आ गए ड्रेस लेके? हाँ आ गया ना, फिटिंग होके आ गया। दिखा उल्टा ही पकड़ते हो हर साल। अच्छा है, कहाँ पे? ये वाले में है। बोला डिब्बू, इधर आ देख क्या लाए पापा ने। फटाफट रेडी हो। कितना मस्त है मेरा बर्थडे ड्रेस, मुझे तो बहुत पसंद आया। अभी तुम लोग यहाँ पे रेडी हो और मैं बाकी सब नीचे रेडी करता। यस पापा, थैंक यू। चलो जाओ फटाफट। ये देखो ये रहा मेरे दीदी का बर्थडे ड्रेस, मेरी दीदी है ना आज के बर्थडे पार्टी में बहुत प्यारी दिखने वाली है, प्यारी। मिलके तूने जीना सिखा दिया, बहुत पसंद आया तो ऐसे आईलाइनर लगाएंगे हम। सो अभी हमने ना मेकअप स्टार्ट कर दिया है, लेंस वगैरह भी पहन लिया मैंने। तो शाम का बर्थडे फंक्शन जो है ना वो बहुत ही ज्यादा ग्रैंड होने वाला है और बहुत सारे स्पेशल स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, जिनको है ना आप सब लोग भी जानते होंगे। और एक ऐसे गेस्ट भी है जिनके साथ है ना मैंने बहुत सारा काम किया और उनको आप है ना बहुत अच्छे से जानते हो। तो कमेंट्स में बताओ और गेस करो कौन हो सकता है वो। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ मेरे बर्थडे के लिए। तो मेरा है ना आई मेकअप जो है वो हो गया है, अभी बस लिपस्टिक लगाएंगे, फिर उसके बाद में हेयर स्टाइल में क्या करने वाले वो भी मैं आपको दिखाती हूँ।
हम है ना ऐसे करने वाले हैं, ये देखो ऐसे सॉफ्ट कर्ल्स रहेंगे और ऊपर है ना ऐसे क्राउन पहनेंगे। तो क्राउन में है ना बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, हम देखते हैं कौन सा वाला पहनना सही रहेगा। लेकिन हेयर स्टाइल अच्छी है ना, ये देखो ये है ना तीन क्राउन है, अभी कौन सा वाला पहनना चाहिए लगा के देखो, जो अच्छा लगेगा वो डिसाइड होगा। तो मैं तो रेडी हो गई हूँ, मैं आपको जल्दी मेरा फाइनल लुक दिखाती हूँ। अभी बारी है चीकू बेबी को और कृष्णा को तैयार करने की। आज ना मैं बहुत भारी रेडी होने वाला है, एकदम भारी, एकदम मस्त रेडी होने वाला है मैं आज, एकदम हीरो के जैसे। क्यों तेरे इश्क का केसरी रंग है, देख कर यूं तुझे दिल मेरा दंग है। उसने देखा है पर तेरे जैसा नहीं, तेरे आगे तो हर रंग बेरंग है। सारी दुनिया की अब कोई कीमत नहीं, सारी दुनिया की अब कोई कीमत नहीं। सबसे महंगा है बस मुस्कुराना तेरा। सारी दुनिया की अब कोई कीमत नहीं, सबसे महंगा है बस मुस्कुराना तेरा। मरने वाला तुझे देख कर जी उठे, देख ले वो अगर मुस्कुराना तेरा, देख ले वो अगर मुस्कुराना। तो आप लोग बताओ आपको मेरा फाइनल लुक कैसे लगा। अभी है ना चीकू, कृष्णा और मम्मी तीनों का फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। भी नहीं मेरी हसरत। तेरे प्यारे पुत्र रेडी हो गया क्या तू? हाँ। तू रेडी है बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए? हाँ। दीदी का वेलकम करेगा क्या तू मेरे साथ में? हाँ। ठीक है। तो अभी है ना बाहर बहुत क्राउड है, बहुत बच्चे आ गए और वो है ना स्पेशल गेस्ट के लिए वेट कर रहे, स्पेशल एंटरटेनमेंट के लिए वेट कर रहे। और ये देखो ये है हमारे स्पेशल गेस्ट, अब ये एंट्री करेंगे किड्स में। चलो आ जाओ। हमारे टेडी और मिक्की माउस एकदम अंधेरे में से चुपचाप एंट्री करेंगे। चलो लेट्स गो। ओ लेट्स एंटर। कौन आ रहा है? वो देखो। कौन आने वाला है? वो देखो एक लाइट ऑरेंज कलर का टेडी बियर आने वाला है। और कौन है उसके साथ? मिक्की माउस है उसके साथ। मुसाफिर कोई है सफर में ऐसा राजा, मुसाफिर हर कोई है सफर में। अच्छा चलो गाना लगाइए छोटी गर्ल्स के लिए। बड़ा जवार दिवस यार। सब गेस्ट आ गए ना? हाँ। तो अभी मैं आपको है ना सभी गेस्ट से मिलाती हूँ। सुबह तो आप है ना पारस भी ऐसे मिले थे, अब चलो दूसरे स्पेशल गेस्ट से मिलवाती हूँ। हेलो, हेलो, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये चीकू के लिए, चीकू का चीकू तो नीचे, चीकू को नीचे, तो चीकू के लिए आप ले लो। अरे उसको उसके उसके पास ही दे देना। चलो उसके पास। मैंने गिफ्ट के लिए मना किया था लेकिन फिर भी ले। अरे नहीं बोलते तो बनता होता तो। और ये पारस भैया। हाय। हो गई नींद पूरी? हां सुबह से सो ही रहा था, अभी उठा। क्या होगा अभी? फाइनली हम लोग केक कट
करने वाले और मेरी है ना ग्रैंड एंट्री होने वाली है, तो नीचे बहुत सारा क्राउड आया है ना, तो मैं एक बार ऐसे भगवान से विश मांग रही हूँ कि ये मेरा जो साल है बहुत अच्छा जाए और मुझे YouTube पे और तरक्की मिले और स्पेशली मेरा डायमंड क्लिप बटन जल्दी से आ जाए प्लीज भगवान। चले लेट्स गो। बहुत डर लग रहा है मुझे, ऐसे लग रहा है कि मैं बोर्ड एग्जाम देने जा रही हूँ। केसरी रंग है देख कर यूं तुझे दिल मेरा दंग है, उसने देखा है पर तेरे जैसा नहीं, तेरे आगे तो हर रंग बेरंग है, सारी दुनिया की अब कोई कीमत नहीं, सारी दुनिया की अब कोई कीमत। अभी जिन से मैं मिल रही हूँ वो है हमारी सिटी की यंगेस्ट लीडर एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस मिस हर्षदा संजय शिरसाट। मुझे अपनी सिटी का टूरिज्म प्रमोट करने के लिए हर्षदा मैम के साथ खूब काम करना है। एकदा सगळे जोडून बोलायचं हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे। आणि आज दोन्ही बहीण भावाचा वाढदिवस आहे, आहेत आज आपल्या सर्वांना म्हणून मी आपल्या सर्वांचं करत आहे की खरंच तुझी मेहनत कमी नाही। हॅपी बर्थडे, हॅपी
जोरदार जोरदार चालू हो जाए। सगळ्यात पहिले काही छोटे मोठे गोष्टी असतात मेरे में कितना जमीन आसमान का फर्क है। तुम रेडी होके थक गए और मैं काम कर करके थक गया, तो काम करना पड़ेगा ना आपको। मेरे बच्चों का बर्थडे है, उसके लिए तो कितना भी काम करना पड़े करेंगे। तो अभी लेट्स वेलकम विनीत एंड पारस, जो इतनी दूर से मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन में आए हैं। विनीत सर और पारस सर का यादव परिवार की तरफ से यहाँ पर स्वागत। स्पीच दे रहे हैं बेस्ट ऑफ क्लब। मैं का स्पीच देंगे विनीत भाई। विनीत भाई देंगे। बिल्कुल सोच के आए हैं। मेरे को कान में बोला है विनीत भाई ने कि मैं आज यूथ को पूरा मोटिवेट करूंगा यहाँ पे। बोला ये मैंने आपको। देसी स्टाइल का बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा लगा पहले वो बताओ। बहुत अच्छा लगा, और इतना काव्या के लिए प्यार, इतने लोग आए, बहुत बड़ी बात है। बहुत ये असली लोगों का प्यार है काव्या के लिए। मैं तो बस ये देख रहा हूँ जल्दी थोड़ी भीड़ कम हो, हम भी फटाफट प्लेट उठाएं। बहुत तेज भूख लग रही है यार। काव्या तो मिनट दिया दे रहे से। ऐसे भाई अब मुगर भाई कैमरा लेके खड़े हो कैसे बीच में। चलो स्टार्ट स्टार्ट। हेलो 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 हाय एवरीबॉडी। किसी को सब खाना खाने में बिजी है। अरे नहीं, मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि इतने लोग काव्या को विश करने आए हैं, इससे पता चलता है कितने लोग काव्या से बहुत बहुत काव्या को पसंद करते हैं। हैप्पी बर्थडे। अब पारस भाई बीच देंगे। आप सब लोग पूछते रहते हो ना पॉडकास्ट कब आएगा, पॉडकास्ट कब आएगा। अभी देखो यहाँ पे खुद ये विनीत जंग है, अभी इन्हीं से पूछ लो पॉडकास्ट कब आने वाला है। तो यहाँ पर अभी प्रमोशन की बारी है विनीत भाई का। चैनल सब्सक्राइब करना सबको। ये बात है, ये बोलो। और काव्या का पॉडकास्ट भी आने वाला है। काव्या का आने वाला है ना? कब आने वाला है वो पूछो। कब आने वाला, कब आने वाला बताओ। बस बहुत ही जल्दी अब चैनल मोनेटाइज हो जाए। फिर फाइनल डेट चाहिए हमको। देखो इतना फाइनल डेट पब्लिक में मत पूछो, मुझे भी नहीं पता। बहुत ही जल्दी आएगा। आपने पॉडकास्ट देख भी लिया, आपको कैसा लगा पॉडकास्ट? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बस वेट कर रही हूँ। हाफ सेंचुरी। थैंक यू सो मच। और आज काफी अच्छा लगा। और सच में यार इतना देसी स्टाइल में भाई। नहीं बट बहुत 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 अच्छा लगा आपसे मिलके। काव्या भेज रही है यार। काव्या भेज क्यों रही है? बहुत देर रुक रही है। थैंक यू सो मच। काव्या ने खाना सॉन्ग किया था। छोटे से बहुत बड़े फैन थे। ये देखो सब लोग अभी खाना खा रहे हैं। हमारे सिटी के भी क्रिएटर्स आए हुए हैं, तो हम उनका भी वेलकम करते हैं। छत्रपति संभाजीनगर अपना तो हीरे। तो ये है हमारे छत्रपति संभाजी नगर के क्रिएटर। हाय हेलो गाइस। सबसे बड़ी क्रिएटर ये है लेकिन। अच्छा बताइए मुझसे मिलके कैसे लगा आप दोनों को? खूब छान वाटल, बहुत अच्छा लगा। सॉरी हिंदी में बोलना है। बहुत अच्छा लगा। एंड वन सेकंड हैप्पी बर्थडे टू यू काव्या। सेम फीलिंग सेम। वन सेकंड हैप्पी बर्थडे टू यू। आणि खूप छान वाटलं भेटून।
आणि खूप जास्त तुझ्या आईला भेटून खूप छान वाटलं. थँक यू. ये देखो कौन है. हाय कैसे हो. हेलो हैप्पी बर्थडे का. हैप्पी बर्थडे. थँक यू सो मच. थँक यू. गॉड ब्लेस यू. थँक यू. थँक यू. जल्दी मिलते हैं हम. ऐसे बोलो जल्दी जल्दी. यस यस पक्का जल्दी मिलेंगे. देखो दादा दादी का फोटो शूट चल रहा है यहाँ पे. दादी के दिखी उधर. बाबा को बोल कंधे पे हाथ रखने के लिए. बाबा से कंधे पे हाथ रखो ना. क्या बात है. उधर देखो वीडियो चल रहा है. दादाजी जब वो हाँ ऐसे स्टार्ट बोलेंगे ना तब ऐसे करके हंसना ठीक है. ऐसे हाथ हाथ. रहो आपको मेरी पूरी फैमिली दिखाई देगी. ये तो सिर्फ महाराष्ट्र फैमिली है. यूपी वाली फैमिली अभी यहाँ नहीं है. हर कोई है सफर में. सफर में है सारा जहां. और क्या बोलते हो बर्थडे गिफ्ट अनबॉक्सिंग का वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट्स में बताना. सफर में. तो ये था मेरे लाइफ का सबसे बड़ा बर्थडे सेलिब्रेशन. लास्ट टाइम होटल में बर्थडे सेलिब्रेट किया था तो ये इतने सारे बच्चे नहीं आ पाए थे. इसीलिए इस साल घर के सामने बर्थडे सेलिब्रेट किया. तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो.